तो क्या हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट इंडिया में LIC को बर्बाद कर देगी? क्या बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा? क्या अडानी पूरी तरह से दिवालिया हो जाएंगे? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। अडानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोप LIC को भी ले डूबेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। तब उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $133 बिलियन थी, यानी कि $133 बिलियन। और इस रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद आज उनकी जो एक्चुअल नेटवर्थ है वो $59 बिलियन के आसपास में है। और आज उनकी जो स्टैंडिंग है वो तीसरे नंबर से गिर के 21वें नंबर पर वो पहुंच चुके हैं, अगर मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद न सिर्फ अडानी को $61.6 बिलियन का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है, बदले में उसकी रेपुटेशन भी ताक पर आ गई है। यानी कि आज के डेट में हालत ये हो गई है कि उन्हें अपना FPO तक उनको वापस लेना पड़ा, जो हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद उन्हें पब्लिश करना था। इंडिया के शेयर मार्केट में तहलका मचा हुआ है, लोगों में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बनी हुई है और अडानी दिन पर दिन अपने जो टोटल नेटवर्थ है उसमें घाटा करते जा रहे हैं, वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अब यहाँ तक हालत हो चुकी है कि वो आज दुनिया के तीसरे नंबर से सीधा 21वें नंबर पर जा चुके हैं और अभी भी उनके शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है। इसके अलग LIC और SBI के इन्वेस्टमेंट्स के स्ट्रेटजी के ऊपर भी विपक्ष हंगामे कर रहा है। संसद में कई सारी जो है डिबेट्स हो रही हैं इसके ऊपर, सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि सरकार में क्या ऐसी मजबूरी थी कि LIC ने अडानी की पावर्स के जितने भी शेयर्स हैं उनमें बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट किया, क्या ऐसी मजबूरी थी कि SBI ने हज़ारों करोड़ रुपये अडानी को दिए लोन के तौर पर। इन सभी सवालों के जवाब आप महज जानना चाहते होंगे और इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल एक और पहलू के ऊपर मैं आपको बताने कोशिश करूंगा कि LIC का अपना इस पे क्या स्टैंड है, क्या सच में LIC में आपका लगाया हुआ पैसा अडानी के इस कोलैप्स के बाद में डूबने वाला है या आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं रियलिस्टिक बातें करूंगा और फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 24 जनवरी 2023 को, जब न्यूयॉर्क बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी एक अपनी वेबसाइट पर एक रिसर्च अपलोड करती है जो लगभग 106 पेजेस की होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट होती है, जो दिन में किसी समय पर अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका टाइटल रखती है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस टाइटल के साथ वो 24 जनवरी 2023 को इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है और उसके चंद घंटों के बीच में ही ये रिपोर्ट मार्केट में तहलका मचाना शुरू कर देती है। जिस समय पर ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उससे पहले इंडिया में सारी चीज़ें अप टू द मार्क चल रही होती हैं, शेयर मार्केट अपना बिजनेस रोजाना की तरह जो है सर्कुलेट करता रहता है। उसी बीच में अचानक से मार्केट में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग लोगों के बीच में आनी शुरू हो जाती है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर कई सारे मीडिया हाउसेस इस रिपोर्ट को अपने अपने तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करने के साथ अलग अलग वीडियोज और अखबारों के जरिए इस रिपोर्ट के बारे में बात करने लगते हैं और अडानी के ऊपर इस रिपोर्ट में जो गंभीर सवाल, जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उनको अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोग अडानी के अगेंस्ट बताने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2022 को वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन यानी कि गौतम अडानी की सभी 6 की 6 कंपनियों पर 106 पेज की एक भारी भरकम रिपोर्ट पब्लिश करी अपनी वेबसाइट के थ्रू, जिसमें उन्होंने अडानी समूह की सभी कंपनियों पर दशकों से मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन और टैक्स चोरी
और शेल कंपनीज बनाने यानी कि फर्जी कंपनीज बनाने में शामिल होने के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों ये रिपोर्ट तो वैसे 106 पेजेस की है, लेकिन एक आम आदमी को अगर इस रिपोर्ट को समझना हो तो बस 6 बातें आप समझ लीजिए, जिसके बेसिस पर आपको ये पूरी रिपोर्ट अगर समझनी है तो 6 बातों के जरिए आप ये रिपोर्ट समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं जो गंभीर आरोप अडानी ग्रुप्स के ऊपर लगाए गए हैं। उनमें सबसे पहला है मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब किसी भी गलत तरीके से पैसे को कमाया जाता है और उसे सही तरीके से दिखा करके किसी बिजनेस में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इस खेल को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट अडानी के सभी 6-7 कंपनीज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप कई सारे तथ्यों और प्रमाणों के साथ में अपनी रिपोर्ट में ये देने का दावा करती है। दूसरा सबसे बड़ा जो आरोप लगाते हैं ये लोग, ये लगाते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन का। अब ये स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। स्टॉक मैनिपुलेशन कुछ नहीं होता, एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की सप्लाई और डिमांड चेन को कंट्रोल करना होता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से किसी कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड को बढ़ा दो और उसकी सप्लाई को कम कर दो। इस सारे खेल को स्टॉक मैनिपुलेशन कहते हैं और इसी स्टॉक मैनिपुलेशन को मुद्दा बना करके अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह कहा है कि अडानी ग्रुप के सभी कंपनीज में अडानी के अंदर के लोगों ने स्टॉक मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी, जिससे इनका 200 रुपए का शेयर 4000 रुपए तक का हो गया, जिसकी बदौलत अडानी ने कोरोना के बाद में लगभग 2-3 सालों के अंदर में 100 बिलियन से ज्यादा डॉलर की जो है इसकी संपत्ति गेन करी, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट की कैटेगरी में शामिल हो गए। उसके बाद जो थर्ड इन्होंने सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया वो है अकाउंटिंग फ्रॉड। अब ये अकाउंटिंग फ्रॉड क्या होता है, इसमें किसी भी जो कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको 2009 का सत्यम कंप्यूटर वाला घोटाला होगा, जिसमें 7000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो बैलेंस शीट होती है उसको मैनिपुलेट करके मैनिपुलेशन किया जाता है। इस तरीके से अकाउंटिंग फ्रॉड करके इन्होंने अपने घाटे को प्रॉफिट में दिखा करके कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करी है, ये कहना है इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का। उसके बाद जो चौथा इन्होंने एलिगेशन लगाया है वो है करप्शन का। इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसे डील्स बहुत ही अनएथिकल तरीके से करप्शन के जरिए लोगों को इन एक्सचेंज ऑफ मनी के जरिए सरकार को पैसा खिला करके इन्होंने बहुत सारे डील ऐसे हासिल करी हैं, जिसके बदले इनकी मार्केट में एक बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट हो गई है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के मार्केट में। तो इनका कहना है कि टोटल करप्ट हैं और करप्शन के जरिए ये यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उसके बाद पांचवा एक और एलिगेशन जो गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाया है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के द्वारा, वो ये है कि इन्होंने टैक्स की चोरी करी है। टैक्स की चोरी यानी कि जिसको थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी बोला जाता है। टैक्स चोरी क्या होता है, जब कोई भी गलत तरीके से जुगाड़ू तरीके से आप टैक्स बचाते हैं, सरकार की नज़रों से आप टैक्स को बचा लेते हैं और उन तरीकों को फेक तरीकों को रियलिस्टिक तरीके से प्रूव करने में सफल हो जाते हैं और अपना टैक्स जो आपको देना था सरकार को उसको अगर आप टैक्स सेव कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टैक्स चोरी या फिर थेफ्ट ऑफ टैक्सपेयर्स मनी। तो इनके ऊपर जो लास्ट एक बहुत बड़ा जो और एक एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, वो है ऑफशोर सेल कंपनीज का जो है क्रिएट किया जाना। इनके जो भाई हैं उनके ऊपर कई सारे आरोप पहले से लगते आ रहे हैं और अडानी के ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया है कि इनके भाई इनके परिवार के लोग मॉरिशस में और भी कई सारे आयरलैंड कंपनीज में आयरलैंड के देशों में इन्होंने बहुत सारी फर्जी कंपनियां बनाई हैं और इन फर्जी कंपनियों के दस्तावेज तक नहीं, वेबसाइट नहीं, इनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इन कंपनीज के नाम से बहुत बड़े बड़े अमाउंट अडानी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये टोटल 6 आरोप इन्होंने अपनी टोटल ओवरऑल जो 106 पेज की रिपोर्ट बनाई है उसमें ये दिए हैं। ये आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि इन आरोपों के अगेंस्ट अडानी ने 400 से ज़्यादा पेजेस की एक आंसर शीट तैयार करी है, जिसमें कई सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए हैं और कई सारे सवालों के जवाब न देते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इन सवालों के जवाब हम पब्लिक फोरम पर अपने एनुअल मीटिंग्स पर ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो इसलिए जो बचे हुए सवाल थे उनके जवाब उन्होंने अडानी की तरफ से इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। उन्होंने इनमें क्या सफाई दी, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की तरफ से पूछे गए 88 सवालों के जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पेज की एक आंसर शीट कह लीजिए या फिर रिस्पॉन्स शीट कह लीजिए वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करी और ट्विटर पर उसका लिंक भी दिया, जिसका लिंक मैं आपको और
ओरिजिनल कॉपी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप एक एक लाइन पढ़ सकते हैं अडानी ने उनके रिस्पॉन्स में क्या कहा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि 88 सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि भाई जो 65 सवाल हैं उनके जवाब हम पब्लिक फोरम्स पर, अपनी वेबसाइट्स पर और कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पर ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर आपको इनके जवाब चाहिए तो हमारी वेबसाइट से, पब्लिक फोरम से आप जो है निकाल कर ले लीजिए। उन्होंने कहा कि जो बाकी जो बैलेंस 23 क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से 18 सवाल आपने जो पूछे हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं जिनका अडानी कंपनीज और उनकी पोर्टफोलियो कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी बचे जो 5 सवाल हैं वो बेसलेस एलिगेशन से अडानी पावर्स, अडानी की जो टोटल ओवरऑल इमेज है उसको खराब करने के लिए। बावजूद इसके अडानी ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया अपनी डिटेल रिपोर्ट में दी है, उसको मैं डिटेल में तो पढ़ के आपको नहीं बता सकता, बट मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अडानी ने अपना जो रिस्पॉन्स है वो कोई छोटा मोटा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने भी हर बात का प्रमाण देने की कोशिश करी है और अपने को नाक पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर ये आप तय करें कि यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, मेरा काम है तथ्यों को आपके सामने बिल्कुल निष्पक्ष अनबायस तरीके से जो है प्रस्तुत करना, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो LIC के ऊपर आरोप लग रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनकी रियलिटी क्या है और क्या सच में LIC में लगाए हुए पैसे, जो लोगों ने अपनी सेविंग्स का पैसा LIC में लगाया है, क्या वो डूब जाएगा, LIC की क्या स्ट्रेटेजी है अडानी में पैसा लगाने के लिए, किसने उसको बोला था ये पैसा लगाने के लिए, कितना पैसा लगाया था, क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ भी है या नहीं है, इसके अंदर की क्या सच्चाई है, बीइंग अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर LIC का एजेंट होने के नाते मैं आपको इस सच्चाई से जरूर रूबरू करवाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा LIC के बारे में और उसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अडानी की सभी कंपनीज में, और इसके अलावा LIC कहां कहां इन्वेस्ट करती है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके बाद आप पूरी तरीके से ये जान पाएंगे कि क्या आपका पैसा LIC में सुरक्षित है या नहीं। तो इस पूरी चीज़ को देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको लाइव LIC के ऑफिशियल स्टेटमेंट को दिखाऊंगा। मैं किसी भी मीडिया रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा, LIC की ऑफिशियल वेबसाइट में को मैं लेके जा रहा हूं। यहां पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं LIC की वेबसाइट मैंने ओपन कर दी है और मैं यहां पर ड्रॉप डाउन में आता हूं और LIC के प्रेस वाले ऑप्शन पर चले जाता हूं, जहां पर LIC ने प्रेस रिलीज करके कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम पर अवेलेबल कराई है। ये 19 तारीख का है और उसके बाद 30 तारीख को LIC ने प्रेस रिलीज करके एक इंग्लिश फॉर्मेट में और एक हिंदी फॉर्मेट में जानकारी उपलब्ध कराई है। चूंकि मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी वीडियो में जो है मैं आपको दोनों का जो है लिंक दे दूंगा। LIC ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या सफाई दी है, अपना क्या स्टेटमेंट दिया है अडानी ग्रुप्स के ऊपर में और उनके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में, वो मैं आपको हूबहू पढ़ के बता रहा हूं और साथ के साथ मैं आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। देखिए 30 जनवरी 2023 की ये है पैन इंडिया रिपोर्ट है LIC की वेबसाइट पर। वो कहते हैं सामान्यतः वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी कंपनी और औद्योगिक समूहों के विशिष्ट निवेशकों का विवरण साझा नहीं करता है। हालांकि ये देखते हुए कि अडानी समूह की कंपनियों से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम के जोखिम के बारे में मीडिया और वीडियो चैनलों में विभिन्न लेखों में कुछ जानकारी प्रसारित की जा रही है, इसलिए हम इक्विटी और ऋण में अडानी समूह की कंपनियों में अपने जोखिम के बारे में तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी साझा कर रहे हैं। ठीक है, दिनांक 31 दिसंबर 2022 के अनुसार इक्विटी और ऋण के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम की अडानी समूह की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917.31 करोड़ रुपए है, यानी कि इनका जो टोटल शेयर पूंजी है अडानी की सभी कंपनियों में मिलाकर के वो है 35,917.31 करोड़। अडानी समूह की सभी कंपनियों में पिछले कई वर्षों में खरीदी गई इक्विटी का कुल क्रय मूल्य जो इन्होंने जो टोटल खरीदा वो 30,127 करोड़ रुपए का क्रय मूल्य है, जो दिनांक 27/1/2023 को बाजार बंद होने तक इसका जो मूल्य था वो था 56,142 करोड़ रुपए। यानी कि LIC ने टोटल 30,127 करोड़ रुपए लगाए थे, जो 27 जनवरी 2023 तक बाजार बंद होने तक जिसका मूल्य था 56,142 करोड़। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें बताई जा रही कि LIC ने 18,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, 27,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, ये खबरें झूठी हैं। आप यहां पे साफ-साफ देख सकते हैं LIC बता रहा है कि 27 तारीख रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी को, 27 तारीख को LIC ये बताती है कि हमारा जो टोटल वैल्यू है अभी
वो अभी 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट होने के साथ 56,142 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, आपने 30,127 करोड़ रुपए अडानी कंपनीज में लगाया है, आपका पैसा बढ़ के यहाँ पर हो रहा है 27 तारीख तक 56,142 करोड़, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, पहले आप ये बता दीजिए। आई होप अगर मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, तो ऑब्वियसली एल आई सी प्रॉफिट में है, न कि एल आई सी लॉस में है। उसके बाद अडानी समूह में निवेश की गई कुल राशि वर्तमान स्थिति के अनुसार 36,474.78 करोड़ रुपए है। हालांकि ये निवेश एक समय सीमा में किए गए हैं। इसके अलावा ये सराहनीय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी अडानी ऋण प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग AA या उससे ऊपर है, जो कि सभी जीवन बीमा कंपनियों पर लागू IRDAI निवेश नियमों के अनुपालन के अनुसार है। LIC ये कह रही है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो IRDA के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया है, वो अडानी समूह हो या और भी कंपनीज हो। न सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम बल्कि सभी जो है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार अडानी के ऊपर जो है कंपनीज में LIC ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो राइट, यहाँ पर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अडानी के ऊपर ही LIC ने इतना बड़ा निवेश क्यों किया है, उनको जवाब देने के लिए आप मेरा वीडियो आगे देखें। आगे मैं उन कंपनीज के नाम और अमाउंट भी बताऊंगा जो LIC ने इन्वेस्ट किया है अडानी के अलावा। फिर वो कहते हैं, दिनांक 30 सितंबर 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल प्रबंधन तहत संपत्ति 41.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, यानी कि LIC की जो टोटल नेटवर्थ है लगभग वो 41 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम का अडानी समूह में कुल निवेश AUM की बुक वैल्यू का 0.975% है, यानी कि 41 लाख लगभग 42 लाख करोड़ के मुकाबले LIC ने अडानी की सभी कंपनियों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, जो LIC के टोटल पैसे 41 लाख करोड़ का 0.975% है। तो यहाँ पर वो लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं LIC डूब जाएगी, LIC में आपका पैसा डूब जाएगा, ये वहाँ पर गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जब LIC ने 41 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ जो संपत्ति है उनकी बुक वैल्यू है उसके एवज में 0.975% लगाया हुआ है, तो भाई कैसे डूब सकता आपका पैसा। उसके ऊपर से मैं आपको एडिशनली ये बता देता हूँ, LIC की सभी पॉलिसीज में उसके सम श्योर्ड और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड जो बोनस डिक्लेयर होता है उसका भारत सरकार के अधीन जो LIC को जो सोवरेन गारंटी मिली हुई है 1956 इंश्योरेंस एक्ट के तहत सेक्शन 37 में, वो ये कहती है कि आपका इंश्योरेंस सेफ है, आपका सम श्योर्ड और बोनस अमाउंट जो है डिक्लेयर्ड बोनस वो सेफ है। तो फिर यहाँ पर एज ए LIC कस्टमर अगर आपने LIC के ट्रेडिशनल LIC के किसी भी पॉलिसी में पैसा लगाया है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है। LIC अपनी स्टैंडिंग अपनी पोजिशन यहाँ पर आपको रिवील करते हुए बता रही है कि हमने 0.975% पैसा लगाया जी, 41 लाख करोड़ रुपीस का जो हमारी बुक वैल्यू के उसके अगेंस्ट ये अमाउंट क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हुआ ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है ये। फिर भी LIC और डिटेल में बता रही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो है कंपनी है वो 66 साल पुराना प्रतिष्ठित और स्थायी संस्थान है और लागू दिशा निर्देशों और विनियमों के अनुरूप सख्त निवेश ढांचे का पालन किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि संपत्ति का बाजार मूल्य किसी भी दिशा में बदल सकता है, अनसर्टेनिटी का जो है जो माहौल है वो शेयर बाजार में हमेशा रहता है। भारतीय जीवन बीमा निगम लंबी अवधि के दृष्टिकोण से और विस्तृत उचित अध्ययन के आधार पर निवेश करता है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम निरंतर आवृत्ति पर अपनी वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अपनी देनदारियों के मूल्यांकन और सॉल्वेंसी मार्जिन के निर्धारण के लिए एक मजबूत प्रक्रिया का पालन करता है। सितंबर 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन 160% के लक्षित सॉल्वेंसी मार्जिन से ऊपर था। यहाँ पर फिर से हमारी जो स्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। भारतीय जीवन बीमा निगम बोर्ड और इसका प्रबंधन सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध और सचेत है भैया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम खुद एक AUM मैनेज करते हैं, हम खुद एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी हैं जो लाखों करोड़ों का जो है एसेट मैनेज करते हैं,
राइट, और समय समय पर उनके हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन जारी रखेगा। ये अधिक जानकारी के लिए आप LIC की वेबसाइट देखें। कोई क्वेश्चंस हैं तो भैया ले लीजिए, ईमेल आईडी भी दे दी LIC ने हमने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी जो हमारी मुंबई ऑफिस की है, और यहाँ पर आप हमें ईमेल लिख करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा सॉलिड प्रूफ मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दे सकता है। ये LIC का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको इंग्लिश हिंदी में बताया। अगर आपको ये इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का, हमारे जो स्टैंडिंग है अडानी के शेयर्स की, हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया, वो सारा चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक और इमेज दिखा देता हूँ। इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए। ये इमेज है LIC की जो कंपनीज़ हैं, सॉरी जो टॉप कंपनीज़ हैं उनमें LIC की क्या स्टैंडिंग है। इक्विटी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन जो है ये 1,00,000 करोड़ में है, राइट, अप्रॉक्स 1,00,000 करोड़ जो है अमाउंट LIC ने वो टोटल कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। इसमें अडानी देखिए कितना छोटा है। इस 1,00,000 करोड़ में 4% की जो है वैल्यूएशन जो है परचेज हमने अडानी के शेयर्स में किया है। लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए रिलायंस में लगाया हुआ है, और अडानी में हमने बताई दिया आपको कितना पैसा लगाया था। ऐसे ITC में लगाया, TCS में लगाया, इन्फोसिस में लगाया, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर, IDBI बैंक, कोटक बैंक, अडानी, IDFC, एक्सिस बैंक। दोस्तों 413 पेज के अडानी के रेस्पॉन्स के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने 29 जनवरी 2023 को अपनी वेबसाइट पर अपना एक और रिप्लाई लिखा, जिसमें उन्होंने टाइटल दिया आवर रिप्लाई टू अडानी, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑफ्यूस्केटेड बाय नेशनलिज्म और अ ब्लोटेड रिस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशन वी रेज। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई अडानी हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय देश के ऊपर हमला बता करके इसको एक नया आयाम देना चाहते हैं। अगर उन्हें हमारे एलिगेशंस के ऊपर इतनी प्रॉब्लम है तो वो आए हमारे ऊपर केस कर दें, हम अपने एलिगेशंस के ऊपर स्ट्रांग हैं, हमने 2 साल रिसर्च करके अलग अलग देशों की यात्रा करके ये रिपोर्ट तैयार करी है और इस पर हम कायम हैं, उनका ये कहना है। मैं यहाँ पर न पक्ष के साथ हूँ न विपक्ष के साथ हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। यहाँ पर मैं अनबायस्ड अपनी ओपिनियन, मैंने अपनी कंपनी LIC की जो है बात रखने की कोशिश की, और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट वाले लोग क्लेम कर रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये कितने हद तक साबित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। बट इस रिसर्च रिपोर्ट ने इतना तो तहलका मचा दिया कि अडानी को तीसरे नंबर से 21वें नंबर पर फेंक दिया। दूसरी बात, इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बहुत सारा नुकसान पहुँचा दिया, और इतना ही नहीं, इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले बड़े बड़े जायंट्स के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। अब विपक्ष भी सरकार के अगेंस्ट जो है इकट्ठा एकजुट होकर के संसद में हंगामे काट रही है कि इसकी जांच कराई जाए कि SBI ने इतना पैसा क्यों लगाया, LIC ने इतना पैसा क्यों लगाया। हालांकि LIC का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टैंडिंग है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तथ्यों की जानकारी विद प्रूफ्स इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इनका रिप्लाई का लिंक भी दे दूंगा। इन्होंने क्या 88 सवाल क्या एलिगेशंस लगाए अडानी के ऊपर में। मैं अडानी की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां हैं। जो लोग ये कह रहे जी अडानी भी विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह देश से भाग जाएगा, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं होगा मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को ये बातों में कुछ दम नहीं लगता है। अडानी बहुत बड़ा जायंट है, देश के GDP में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। 60 की एज में उन्होंने अभी 60,000 करोड़ रुपये डोनेट भी किया, चैरिटी की है देश के लिए। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, एक सराहनीय कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बावजूद अडानी की क्या स्टैंडिंग रहेगी, क्या अडानी अपने रेस्पॉन्सेस पर कायम रह पाएगा, क्या उनको गलत प्रूफ कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर पहले रिसर्च करें, एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके बाद आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप LIC के कस्टमर्स हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LIC की स्टैंडिंग अभी भी जो है वो पोजीशन प्रॉफिट में है और वो लॉस में नहीं है। और LIC की हर पॉलिसी पर आपको सोवरेन गारंटी मिली हुई है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में LIC के अलावा इंडिया में किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं है, किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, वो है तो केवल और केवल आपकी अपनी LIC कंपनी के पास, जो है LIC का सोवरेन गारंटी, जहां पर आपको अपनी सम एश्योर्ड और आपके बोनस की गारंटी मिलती है अगर कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपके कोई सवाल है, कोई
कोई आप एडिशनल फीडबैक देना चाहते हैं मेरे इस वीडियो के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।